नमस्कार, राज्यों की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं फास्ट खबर। पिछले 7 दिनों में रांची में बढ़े 2,364 कोरोना के मरीज, इससे ज्यादा 2,699 स्वस्थ होकर लौटे घर। रांची सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, रिम्स में पेइंग वार्ड में किए गए भर्ती। गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य कोरोना संक्रमित, विनोबा भावे विवि के कुलपति सहित कई पदाधिकारी क्वारंटाइन। एलएसी पर 45 साल बाद चली गोली, बौखलाई चीन ने भारत पर लगाया फायरिंग का आरोप। कोडरमा के फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 4 मजदूर घायल। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल से बढ़ती कीमतों पर सुनवाई से किया मना, याचिकाकर्ता को फटकार। लद्दाख में तनाव पर भारत ने खोली चीन के झूठ दावे की पोल, कहा पीएलए की तरफ से चलाई गई एलएसी पर गोली। कोरोना काल में श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दे रहे बेंगलुरु के सब इंस्पेक्टर। रेलवे के क्लोन योजना से वेंटिंग टिकट से मिलेगी मुक्ति, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट। रूस के लिए आज रवाना होंगे एस जयशंकर, चीनी विदेशी मंत्री से भी हो सकता है मुलाकात। ऑनलाइन गेम में बर्दाश्त नहीं हुई हार, 11 साल के बच्चे ने 10 वर्षीय मासूम को उतारा मौत के घाट। 15 साल पहले परिवार से बिछड़ी मानसिक रूप से पीड़ित महिला, अब परिवार में हुई वापसी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने टाइफून तूफान के दौरान लोगों को बचाने में असफल रहने वाले अधिकारियों को गंभीर सजा देने का ऐलान किया। पाकिस्तान से लौटेंगे 363 NORI वीजा धारक और 37 भारतीय नागरिक, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। इंडिया रेटिंग्स का अनुमान, वित्त वर्ष 2020-21 में 11.8% पर आ सकती है जीडीपी वृद्धि की रफ्तार। कंगना रनौत वर्सेस महाराष्ट्र विवाद को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी NWC की अध्यक्ष के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग। रिया ने सुशांत की बहनों पर लगाया खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। साउथ के फेमस एक्टर जया प्रकाश रेड्डी का निधन, 74 वर्ष की उम्र में हुआ कार्डियक अरेस्ट। मानसून सत्र, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह में बैठक जारी। संजय रावत एक बार फिर बने शिवसेना की आवाज, पार्टी ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। गोड़ा जिले के मुजफ्फर थाना क्षेत्र में 36 साल की साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि साध्वी बोकारो की रहने वाली है, जो बनारस से गोड्डा आश्रम आई थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रांची, बीते दिन भारी बारिश के दौरान नाले में बहे युवक की खोजबीन में जुटी NDRF की टीम। घटना स्थल में 200 मीटर दूरी पर से बरामद हुई बाइक, सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोराहा टोली की घटना। मुंबई, एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के बीच गहराता जा रहा है विवाद। BMC ने कंगना के मुंबई दफ्तर को किया सील, BMC ने वहां नोटिस चिपकाते हुए काम बंद करने को कहा। आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जुड़े रहें सबरंग समाचार के साथ।